हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कॉफी फेशियल। आप घर पर ही कर सकते हैं, अभी हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो स्किन का केयर करना, फेस का केयर करना भी बहुत जरूरी है। तो किचन में पड़े इंग्रेडिएंट्स से ही आप अपने फेस का, अपने स्किन का केयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कॉफी फेशियल। आप घर पर कर सकते हैं, 4 स्टेप है ये कॉफी फेशियल का। पहला स्टेप है क्लींजर, सेकेंड है स्टीम और थर्ड स्क्रब और फोर्थ फेस पैक का। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं क्लींजर। तो चलिए बनाते हैं क्लींजर। क्लींजर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून कॉफ़ी लिया है। अब मैं इस पे ऐड करने जा रही हूँ 1 टीस्पून रॉ मिल्क। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद ये आपका क्लींजर बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसको अपने पूरे फेस में अप्लाई कर रही हूँ। पूरे फेस में अप्लाई करते हुए हल्के हाथों से मसाज करूँगी 2 मिनट के लिए, और उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को मैं वॉश कर लूँगी। देखिए मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, और आप देख सकते हैं मेरे फेस में फर्स्ट स्टेप में ही कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है पहले से। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ क्लींजर का। अब सेकेंड स्टेप है स्टीम का। तो स्टीम करने के लिए सबसे पहले पानी को बॉयल करना होगा। तो चलिए स्टीम करने के प्रोसेस में सेकेंड स्टेप में चलते हैं हम। स्टीम करने के लिए यहाँ पे मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है। देखिए पानी बॉयल हो चुका है, अब मैं करने जा रही हूँ स्टीम। देखिए मैं यहाँ पे स्टीम लेने जा रही हूँ। अब स्टीम लेने के लिए आपको एक टॉवल लेना है, और टॉवल लेने के बाद इस तरह से ओढ़ करके स्टीम ले लेना है। स्टीम करने से हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। इसी तरह से हमारा सेकेंड स्टेप भी हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं थर्ड स्टेप में। आपको थर्ड स्टेप में स्क्रब करना है। तो स्क्रब को किस तरह से बनाना है और किस तरह से अप्लाई करना है, तो चलिए देखते हैं फटाफट वीडियो। बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच शुगर लिया है, शुगर पाउडर। उसके बाद 1/2 चम्मच कॉफ़ी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं 1/2 चम्मच यहाँ पे गुलाब जल ऐड कर रही हूँ, और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये बन के रेडी हो गया है आपका स्क्रब। अब मैं इसको अपने पूरे फेस में अप्लाई करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करूंगी। जो सेकेंड स्टेप में मैंने स्टीम लिया था उसकी वजह से पोर्स मेरे ओपन हो गए हैं। अब जो पोर्स में गंदगी जमी हुई होती है ना, वो ये स्क्रब अच्छी तरह से रिमूव कर देता है, पोर्स के सारे गंदगी को निकाल देता है। स्क्रब करने से हमारे पोर्स की जितनी भी गंदगी है वो अच्छी तरह से बाहर निकल के आ जाता है, और आपका फेस जो है क्लीन हो जाता है। देखिए मैंने स्क्रब कर लिया है, उसके बाद फेस को भी वॉश कर लिया, और देख सकते हैं आप सेकेंड स्टेप के बाद और भी ज़्यादा मेरा चेहरा कितना अच्छा लग रहा है, कितना क्लियर और कितना ब्राइटनिंग लग रहा है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमारा थर्ड स्टेप भी हो गया है कंप्लीट। अब बारी आती है फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप में आपको फेस पैक बना के अपने फेस पे अप्लाई करना है। घबराइए मत, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने किचन में ही सारे इन्ग्रीडियंट आपको मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं फेस पैक बनाने के प्रोसेस में, और किस तरह से अप्लाई करना है ये सारी चीज़ें वीडियो में देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट वीडियो। फेस पैक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच कॉफ़ी ऐड किया है। अब मैं यहाँ पे पिंच ऑफ हल्दी ऐड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच दही ऐड कर रही हूँ, और लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच बेसन। अब इन चारों इन्ग्रीडियंट को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद ये फेस पैक बन के बिल्कुल रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको अपने पूरे फेस में अप्लाई कर लूँगी, अच्छी तरह से अपने फेस में इसको अप्लाई कर लूँगी, और उसके बाद इसको छोड़ दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। जब ये ड्राई हो जाए तो नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर लूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने पूरे फेस में इसको अप्लाई कर लिया है फेस पैक को। अब मैं इसको सूखने के लिए छोड़ दूंगी। देखिए मेरा फेस पैक जो है सूख के बिल्कुल सूख चुका है। अब मैं इसको अपने फेस को वॉश करूंगी। देखिए मैंने फेस को वॉश भी कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 बर्फ, और उसको अच्छी तरह से अपने फेस में अप्लाई कर रही हूँ। बर्फ को फेस में अप्लाई करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और साथ ही साथ ग्लो भी अच्छा आता है फेशियल के बाद। देखिए अब मैं इसको पोंछ रही हूँ, बर्फ़ फेस जो पानी है वो उसको फेस से हटा रही हूँ। अब देख सकते हैं
फोर्थ स्टेप के बाद मेरी स्किन जो है कितना ग्लो कर रहा है, कितना चमक रहा है। इसी तरह से हमारा फोर्थ स्टेप भी हो गया है कंप्लीट। चारों स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है कॉफी फेशियल का। इस तरह से आप घर पे बड़े चीजों से भी अपने फेस का, अपने स्किन का केयर कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। अभी से अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज करके अपने फेस की केयर करेंगे ना तो 30s के बाद जो रिंकल्स हमारे फेस में आते हैं वो जल्दी नहीं आएंगे। अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज़ करेंगे अपने फेस में, नेचुरल इंग्रेडिएंट का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन भी डैमेज नहीं होगी। और जो मैंने कॉफी फेशियल किया था उसके उससे पहले मैंने वीडियो शूट किया था अपने फेस का, तो वो वीडियो मैं इस साइड में लगा दूंगी और आफ्टर कॉफी फेशियल वाला वीडियो मैं इस साइड में लगा दूंगी। आप देख सकते हैं दो वीडियो में कि किस तरह का डिफरेंस आया है कॉफी फेशियल के बाद मेरे फेस पे। फेशियल का मेन मतलब ये है कि आपके फेस में जितनी भी गंदगी है वो निकाल देता है और एक ग्लोई, एक ब्राइडल लुक आपको दे देता है। फेशियल करने से हमें ये बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह से आप घर पर फेशियल कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अभी हम बाहर नहीं जा सकते, घर पर रहिए, सेफ रहिए और नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज़ कीजिए और अपनी स्किन का ध्यान रखिए। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।